What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी इकोनॉमिक्स का सफ़र, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ चीज़ें शुरू करेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर डिफरेंट लीग है और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट लीग है. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भरे हुए हैं इस पर्टिकुलर बुक में. शुरू करते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर, बिल्कुल बेसिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दो पार्ट्स में आप लोग को मैं कराऊंगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटे छोटे से दो पार्ट्स बनाऊंगा, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा और आप बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर चैप्टर को प्रिपेयर कर पाओगे इन द नेक्स्ट टू डेज. तो जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या है इस पर्टिकुलर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर में. चलिए लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं चैप्टर नंबर वन. नाम क्या है चैप्टर का? नाम है द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए मुझे एक छोटा सा एग्जांपल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें समझेंगे. देखो, सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आप ये समझो कि हाउ मैनी सेक्टर्स आर देयर इन द इकोनमी. एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं? तो देखो, जब भी हम इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात करेंगे तो किसी भी इकोनॉमी में चार सेक्टर्स होते हैं, ठीक है. सबसे पहला सेक्टर होता है हाउसहोल्ड. हाउसहोल्ड कौन होता है? जिसको हम मेनली कंज्यूमर बोलते हैं, और वही कंज्यूमर जो है वो सारी सर्विसेज भी देता है. लाइक प्रोड्यूसर तो चीज़ें बनाएगा, कंज्यूमर उसको कंज्यूम भी करेगा, लेकिन उसको बनाने में मदद भी वही करता है. अगर मैं किसी फैक्ट्री में जॉब करता हूँ तो जो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ वो एज अ कंज्यूमर मैं खरीदता भी हूँ, तो प्रोडक्ट बनाने में भी तो मैं ही मदद कर रहा हूँ. वो फैक्ट्री हम में से ही किसी कंज्यूमर की होगी, जिसने वो फैक्ट्री रेंट में दी हुई है किसी प्रोड्यूसर को सामान बनाने के लिए. तो बेसिकली कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हाउसहोल्ड्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स की मदद करते हैं प्रोडक्शन करने में, और फिर वही सामान खरीदते भी हैं, है ना. दूसरा कौन होते हैं? दूसरे होते हैं फर्म्स. फर्म्स का मतलब बिल्कुल प्रोड्यूसर्स, जो सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे. तीसरा सेक्टर कौन सा होता है? थर्ड सेक्टर होता है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट आप जानते हो, सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सारे बिजनेसेस को प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशंस के साथ ऑपरेट करवाना, ये गवर्नमेंट का काम होता है. चौथा कौन सा होता है? फॉरेन सेक्टर. फॉरेन सेक्टर जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं. तो हमारे पास एक इकोनॉमी में चार सेक्टर्स होते हैं, हाउसहोल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं. अब इस सिनेरियो में अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, बेटा जी अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, तो सेक्टर्स की बात तो हो गई ये. अब अगर मैं सिर्फ शुरू के दो सेक्टर ले लूं तो इसको हम टू सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं. अगर मैं शुरू के तीन सेक्टर्स ले लूं तो इसको हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं. और अगर मैं शुरू के चारों सेक्टर्स ले लूं तो इसको हम फोर सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं. अब हमारे पास अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग इकोनॉमी के बारे में बताया गया है. कुछ जैसे सीबीएसई बोर्ड है, उसके सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमीज है. कुछ अलग स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस में थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी है, फोर सेक्टर इकोनॉमी भी है. तो मैं आपको थ्री और फोर सेक्टर का भी एक सेपरेट वीडियो कर दूंगा, जो सभी बच्चों को नहीं देखना. अभी जो मैं आज वीडियो कर रहा हूँ, दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड्स कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए कॉमन है. तो आज जो हम मेनली बात करने वाले हैं वो है टू सेक्टर इकोनॉमी. वो है टू सेक्टर इकोनॉमी. तो सर, टू सेक्टर इकोनॉमी में ऐसा क्या है? देखो, टू सेक्टर इकोनॉमी में एक तो हाउसहोल्ड्स होंगे और एक फर्म्स होंगी, ठीक है. हाउसहोल्ड्स मदद करते हैं फर्म्स को सामान बनाने में. इसका मतलब ये हाउसहोल्ड सबसे पहले क्या करते हैं? ये हाउसहोल्ड अपनी सर्विसेज देते हैं फर्म्स को. इन सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं? इन सर्विसेज को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज. सर, फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आता है? बेटा, फैक्टर सर्विसेज में जैसे हाउसहोल्ड अपनी लैंड दे रहे हैं, भैया मैं कंज्यूमर हूँ,
मेरे पास एक लैंड है एक्स्ट्रा, मैंने किसी प्रोड्यूसर को दी हुई है कि इस पे आप अपनी फैक्ट्री खोल लो, आप बिजनेस खोल लो, अपना कुछ भी कर लो, तो मैंने लैंड दे दी। हाउस होल्ड ही काम कर रहे होते हैं एज लेबर, है ना। इसके अलावा कैपिटल दे रहे होते हैं लोन पे, इंटरेस्ट पे कैपिटल दे रहे होते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर खुद मिलजुल के बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस बना रहा है, तो हाउस होल्ड से ही तो बना है वो भी। तो हाउस होल्ड बेसिकली फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब ये सब सर्विसेज देते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन चालू हो जाता है, प्रोडक्शन 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 चालू हो गया। जब प्रोडक्शन चालू हुआ तो उस प्रोडक्शन के बदले में इनको पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जनरेशन ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाता है इनके लिए। इसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम। जब प्रोडक्शन उन्होंने करना चालू कर दिया तो इनकम जनरेट होना शुरू हो गया ना, जैसे ही आपने सर्विसेज दी तो यहाँ पे प्रोडक्शन चालू होगा, आपके लिए इनकम जनरेट होगी, जनरेशन जनरेशन जनरेशन। अब जब ये सामान बनाएंगे तो ये इनको इसके बदले में कुछ पैसा भी देंगे, जिसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट में क्या बोलता है, लैंड के बदले में मिलता है रेंट, लेबर के बदले में मिलती है सैलरीज, कैपिटल के बदले में मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को अपने हार्डवर्क के बदले में मिलता है प्रॉफिट। तो इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में आपको फैक्टर पेमेंट मिल जाती है। जब आपको पैसा मिल जाता है तो इसको हम बोलते हैं इनकम फेस। यहाँ पे आ गया इनकम। तो सबसे पहले तो जनरेशन फेस आया, जब प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, इन्होंने पैसे दिए तो इनके लिए इनकम हो गई, इनकम फेस बोल दिया। अब क्या करेंगे, ये पैसों का सब्जी तो बनाएंगे नहीं, आज 200 की सब्जी बनी है जी, आज 100 की सब्जी बनी है जी, आज 2000 की सब्जी बनी है जी, जो कि अब बहुत जल्दी बिल्कुल ही सर्कुलेशन से ख़त्म हो जाएगा, सब्जी बना लो उसकी, ऐसा तो होगा नहीं। खर्चा करेंगे वापस से, खर्चा किस चीज़ पे करेंगे, गुड्स और सर्विसेज पे। तो वापस से क्या होगा, यहाँ से दे विल कंज्यूम, कंजम्पशन होगा। इस कंजम्पशन को हम लोग बोल देते हैं अब एक्सपेंडिचर होना चालू हो गया, खर्चा हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेस। और इस एक्सपेंडिचर के बदले में इनको क्या मिलते हैं, इनको वही गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं जो इन्होंने ही बनाने में मदद करी थी, वही गुड्स और सर्विसेज जो इन्होंने बनाने में मदद करी थी। एक छोटे से एग्जांपल से समझो, ये एक स्कूल है और यहाँ एक टीचर है जो इसी स्कूल में पढ़ाती है ना। ये एक स्कूल है और यहाँ पे एक टीचर है जो इसी स्कूल में पढ़ाती है, क्या टीचर ने अपनी सर्विसेज दी, उस सर्विस के बदले में उसी टीचर को सैलरी मिली, अल्टीमेटली वो टीचर अपने बच्चे फिर इसी स्कूल में पढ़ा रही है, तो वो पैसा घूम के फिर यहाँ। तो सर्कुलर फ्लो का मतलब यही होता है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में दो ही सेक्टर हैं, हम गवर्नमेंट भी नहीं ले रहे, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं ले रहे, बाकी सब साइलेंट है, कॉन्स्टेंट है। तो दो ही सेक्टर हैं, उन दो सेक्टर के बीच में पैसा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तीन फेसेस देखने को मिले, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इनकम होगा, उसके बाद इनकम फेस होगा, उसके बाद एक्सपेंडिचर फेस हो जाएगा। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये बहुत काम आएगा डायग्राम। पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो आपको मैं इसका डेफिनेशन दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या लिखा है। देखो सबसे पहले, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। मैंने आपको समझाया अभी कि अभी सबसे पहले क्या होगा, द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब प्रोडक्शन चालू होगा इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा, देन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंगस्ट द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इनकम जनरेट हो जाएगी, और फिर क्या होगा, पैसे का सब्जी तो नहीं बनेगी, फिर वापस से घूम के उधर, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, हाउस होल्ड से फर्म में, फिर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किस पे, उन्हीं गुड्स और सर्विसेज पे जो उन्होंने ही बनाए हैं। तो देखो किस तरीके से पैसा घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो सर्कुलर फ्लो में तीन फेसेस आपको पढ़ने हैं, नंबर वन इज जनरेशन फेस, नंबर टू इज डिस्ट्रीब्यूशन फेस जिसको इनकम भी बोलते हैं, थर्ड इज डिस्पोजिशन फेस जिसको एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। सिंपल, सर्कुलर फ्लो का मतलब समझ में आ गया सभी को, परफेक्ट। चलो जनरेशन फेज क्या है, इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इनकम, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलेगा फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। डिस्पोजिशन में इनकम वापस से कंजम्पशन की फॉर्म में उधर ही चले जाएगी। क्या बात है यार। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास और है जो कि है स्टॉक एंड फ्लो। बट स्टॉक एंड फ्लो पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाना चाहता हूँ,
जो कि हमारे पास इसी पर्टिकुलर पार्ट में आ जाता है। स्टॉक एंड फ्लो एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, स्टॉक एंड फ्लो एक पूरा ही अलग सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अलग से सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। मैं यहीं से आपको एक कॉन्सेप्ट और कराना चाहता हूं, क्योंकि इसके मैं दो पार्ट्स बनाऊंगा, एक ये, एक अगला पार्ट और बनाऊंगा छोटा सा, ठीक है। ये जो सर्कुलर फ्लो है बेटा जी, पूरा बड़े ध्यान से देखो, टू सेक्टर इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो है, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, नंबर वन पे सर्विस गई, सर्विस के बदले में पेमेंट आ गई, पेमेंट से फिर अल्टीमेटली कंजम्पशन हुआ, अल्टीमेटली इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज इधर वापस आ गए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो चार बार ये सर्कल घूम रहा है, मतलब ओवरऑल तो दो बार है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो एक, दो, फिर तीन, फिर चार, चार बार हुआ। इन चार बार में दो बार जो फ्लो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का है, और दो बार जो फ्लो है वो पैसे का है। ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट में नंबर बताओ कि कहाँ कहाँ पे पैसे का फ्लो है, कहाँ कहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सर ये पैसा है, थ्री पे मनी फ्लो है और वन पे सर्विसेज का फ्लो है, तो मुझे पॉज करके अभी कमेंट में लिख के दो कि कहाँ कौन से नंबर पे आपको मनी फ्लो दिख रहा है, कौन से नंबर पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो दिख रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो जब टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की बात होती है ना बच्चे, तो दो तरीके का सर्कुलर फ्लो होता है, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। वन इज रियल फ्लो, अदर इज मनी फ्लो। सर व्हाट इज रियल फ्लो? रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज मनी फ्लो? मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी। सर किसके बीच में पैसा घूम रहा है, हाउस होल्ड और फर्म? टू सेक्टर इकोनॉमी में तो होते ही ये दो हैं, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर वन पे सर्विस है और नंबर फोर पे गुड्स एंड सर्विसेज है, तो वन और फोर तो हो गए रियल फ्लो, और सेकंड पे पैसा है, तीन पे पैसा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मनी फ्लो। हो गया या नहीं हो गया? वन और फोर रियल फ्लो है, टू और थ्री मनी फ्लो है। ध्यान से चेक करो, वन और फोर पे, वन पे भी सर्विसेज थी और फोर पे भी गुड्स और सर्विसेज आ रही थी, टू पे पैसा पेमेंट आया और थ्री पे खर्चा हुआ, इधर पैसा चला गया, चला गया या नहीं चला गया। तो जो सर्कुलर फ्लो है वो दो तरीके का है। कौन कौन सा है सर? स्टॉक फ्लो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ये रहा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स, मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स, सिंपल। उसके बाद काइंड ऑफ एक्सचेंज, रियल फ्लो में क्या एक्सचेंज होगा, गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो में क्या एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसा एक्सचेंज होगा। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, अब देखो पैसा बदलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको कुछ भी पैसा दे के ले लो, कुछ भी एक्सचेंज करो, पैसे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। जब गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे होते हैं तो वहां प्रॉब्लम आती है, जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम। पहले जमाने में बार्टर सिस्टम चला करता था, याद है, जब गुड्स के बदले में गुड्स बदले जाते, तुम्हें कैसे याद होगा, तुमने तो पढ़ा ही है ना, हमने भी बस पढ़ा ही है। तो क्या होता था, गुड्स के बदले में गुड्स बदले जाते थे। अब मैं बोलूं, सपोज मैं आज से कई साल पहले चला जाता हूं और मैं बोलता हूं कि भैया ऐसा है, आप मुझे एक किलो सोना दो, मैं आपको एक किलो आलू दूंगा, एक एक किलो ही तो है, आप भी मुझे एक किलो सोना दे दो, मैं आपको एक किलो आलू दे दूंगा, भैया सीधी सी बात है, ठीक है या नहीं है। तो वहां कितने प्रॉब्लम आता होगा, सोना आजकल कितना महंगा और आलू क्या ही, दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है, बट बार्टर में ये प्रॉब्लम थी, किस चीज के बदले में कितना दिया जाए समझ में नहीं आता था। तो जब भी रियल फ्लो होगा ना, यानी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा, तो डिफिकल्टी ऑफ बार्टर होगा, यहाँ पे देयर इज नो सच डिफिकल्टी, ठीक है। इसका दूसरा नाम फिजिकल फ्लो भी है, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल गुड्स और सर्विसेज चलते हैं। इसका दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो भी है, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, इस नाम से भी आता है एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी। आई होप आप लोगों को पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और आप लोगों ने बढ़िया तरीके से नोट्स भी बनाए होंगे मेरे साथ साथ और इसको समझा होगा। कल मैं आपके पास एक और वीडियो लेके आऊंगा और इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त, कल खत्म कर देंगे चैप्टर नंबर वन को, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ओवर। मैं एक वीडियो में भी कर सकता था, बट आई वॉन्ट कि तुम लोग एक्सप्लोर करो, रीडिंग लगाओ, किताब खोलो एक बार, सेल्फ स्टडी करो। हम लोग इतना ज्यादा टेक्नोलॉजीज में जा चुके हैं कि हमारा सेल्फ स्टडी का जो स्पैन है
वही कम होता जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन का स्पैन कम होता जा रहा है. आई डोंट वॉन्ट दैट. अपने माइंड को काम पे लगाओ, रीडिंग करो, चीजें पढ़ो, तभी तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. तो आज का होमवर्क ये अच्छे से एक बार रीडिंग लगा लेंगे और कल जो हम टॉपिक करेंगे उसके साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीवन. वीडियो को लाइक जरूर करना, सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना और जो भी दिल में आए कॉमेंट जरूर करना. थैंक यू सो मच.